हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा एक से कक्षा दो के विषय हिंदी का गृह कार्य। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको दिया गया है कार्यपत्रक 37, जहाँ पर हम सीखेंगे पेंसिल घुमा करके शब्दों को किस तरह से पूरा किया जाता है। तो यहाँ वर्ण दिए गए हैं कुछ, उन पर हमें क्या करना है कि पेंसिल घुमानी है। डॉट डॉट पर दिए गए हैं और हम समझेंगे कि वो कौन से वर्ण हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ कलरफुल में दे रखा है 1 से 0 तक की संख्याएँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ठीक है, 0। तो नेक्स्ट हमें बता रखा है अंग, जो आपका ऐसे लेकर के अह तक के जो स्वर वर्ण होते हैं उनमें से यहाँ लिया गया है अंग। और आपके जो व्यंजन होते हैं कैसे लेकर के मैं तक के जो व्यंजन हैं, और ग्यारह लैवे और शत्र गए, तो ये जो होते हैं इनमें सबसे पहले जो आपका वर्ण आता है कै, तो यहाँ वो दो वर्ण लिए गए हैं। अंग और कै को मिला करके हमें देखना है कि किस तरह से यहाँ इनसे शब्द बन सकते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है, देखिए यहाँ पर आपको इसके ऊपर जैसे डॉट पे ही आपको मिलाना है, अंक बन जाएगा, ठीक है। आपको पेंसिल से धीरे धीरे मिलाते हुए जाना है, ये क्या बन जाएगा आपका अंक, ठीक है। तो यहाँ अंक, अंक का रिपीटेशन है। नेक्स्ट आप घुमाएंगे पेंसिल अंक पे, तो यहाँ बनेगा अंग, ठीक है। अंग शरीर का जो एक कोई भी अंग होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है ये शब्द। तो यहाँ आप बना देंगे इसी तरह से पेंसिल घुमा करके यहाँ पर अंग, ठीक है। नेक्स्ट आपको शब्द मिला है यहाँ पर अंगूर, यहाँ पर आप ए पे यूँ पेंसिल घुमा देंगे और बन जाएगा आपका शब्द अंगूर, 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 अंगूर। नेक्स्ट आपका शब्द बनेगा जैसे अंदर, ठीक है, यहाँ पर आपको पेंसिल घुमा देनी है ऐसे, अंदर 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 अंदर, ठीक है। अब दिया गया है आपको कार्यपत्रक 38, जहाँ पर हम अगेन एक वर्ण देखेंगे कि किस तरह से आपको यहाँ चित्र दिया गया है। देखिए आँख के चित्र दे रखा है, ठीक है, आँख का चित्र दे रखा है, आँख, यहाँ आप वर्ण देखेंगे आँख के ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है, और खे, ठीक है। ऊपर आपने क्या देखा था, अंग, ठीक है, अंग जो आपका वर्ण था, ये क्या सब चीज़ें क्या है, ये अंक है, अंक है ना आपके गणित के अंक। तो यहाँ अंग और कैसे मिलकर के आपको बना है अंक। इसी तरह से आपकी इस वर्कशीट में बना है आ और खे को मिला करके आंख, ठीक है। तो हम इसी शब्द को सीखेंगे। अब आपको क्या करना है, ये इसे बोला जाता है चंद्र बिंदु। आपको कुछ चंद्र बिंदु दिए गए हैं कुछ शब्दों के ऊपर, आपको क्या करना है उन्हें बनाना है। और जैसे मैं आपको बताती जाती हूँ इस तरह से आपको यहाँ पर पेंसिल से इनको मिला देना है। ये आपका बन गया आ, ठीक है, आ आ आ आ, चार बार रिपीटेशन है इसका। इसी तरह से नेक्स्ट इससे बना है आँख, ठीक है, आँख 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 आँख। तो आपको घुमाते हुए पेंसिल को इस तरह से पूरा करना है। ये है नेक्स्ट ऊँट, यहाँ भी चंद्र बिंदु आता है, तो यहाँ आपको मिला देना है इस तरह से और ये बन जाएगा ऊँट। नेक्स्ट है चांद, तो यहाँ बन जाएगा चांद, ठीक है, चांद चांद चांद। यहाँ है आंवला, आंवला पे यूँ चंद्र बिंदु मिला लेना है, आंवला आंवला आंवला, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा चंद्र बिंदु युक्त शब्दों का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। अनुनासिक ध्वनि निकलती है, आ बोलते हैं हम, अंदर से निकलते हैं, नाक से आवाज़ निकलती है इसकी, तो इसे अनुनासिक बोला जाता है, नासिक के द्वारा हम ये वर्ण का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ देखा आपने ये वर्ण और यहाँ देखिए आपने अंग वर्ण, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका आज का गृह कार्य। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखते रहेंगे, तो जुड़ी रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।